Sarita's kitchen. Today I'm going to teach you how to make mashed potato. मैश्ड पोटैटो इंडियन वे में कैसे बनाते हैं और उस पोटैटो के मिक्सचर को हम अलग अलग तरह से सब्जी की जैसे भी खा सकते हैं और अलग अलग तरह की फिलिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं. तो लेट अस सी हाउ डू वी मेक इट. मैश्ड पोटैटो बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए आलू मैश्ड और ये जिंजर गार्लिक कूटा हुआ, थोड़ा कटे हुए प्याज, नमक, हल्दी, मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर और तेल. अब मैं 2 टेबलस्पून तेल कढ़ाई में डालूंगी. ये मैंने 1 चम्मच जीरे का तड़का लगाया है. अब इसमें मैं कटा हुआ प्याज डालेंगे. आधे चम्मच गार्लिक कटा हुआ और आधा चम्मच अदरक कटा हुआ. अब इसे हम फ्राई कर लेंगे. नमक थोड़ा पहले डाल देते हैं जिससे प्याज जो है वो जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाता है. ये मैंने नमक तो डाला है वो प्याज के हिसाब से डाला है. और जब आलू डालूंगी तो ऊपर से मैं नमक और डाल दूंगी. अब ये प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है. अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च का पाउडर और धनिया ये डाल करके मिक्स कर लूंगी. अब ये मैश किया हुआ जो पोटैटो मैंने रखा है वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसमें नमक जो है वो आलू के हिसाब से, मैश पोटैटो के हिसाब से थोड़ा नमक और डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके और 5 मिनट में इसको उतार दूंगी. अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा अमचूर का पाउडर भी मिला सकते हैं चटपटे स्वाद के लिए. थोड़ा काला नमक, थोड़ा जीरा का पाउडर ये सब भी इसमें मिक्स कर सकते हैं और उसको आप अलग अलग तरह की फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये आलू का भरता यानी कि मैश्ड पोटैटो तैयार है आपके लिए. इसे जैसे भी खाना चाहे, खिचड़ी के साथ जनरली लोग खाते हैं.